हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर है, इसलिए मेरी स्क्रीन यहाँ पे डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है। तो इस समय आप जानते हैं, जैसे कि मैं OBS पे काम करना सिखा रहा हूँ, इस समय आप यहाँ पे जाएंगे फाइल्स में। तो अभी अगर आपको यहाँ पे कुछ काम करना है, जैसे आप चाहते हैं कि आपका वीडियो भी हो, तो वीडियो के लिए आपको क्या करना है, प्लस पे प्लस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो कैप्चर। तो यहाँ से आप वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, सो दिस वन, तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ओके, ग्रेट गुड। अब यहाँ से मैंने ओके किया, एंड इफ यू वांट टू ड्रैग, आप यहाँ से कॉर्नर से ड्रैग कर सकते हैं इसे। तो ये आपको कहाँ पे चाहिए आप लगा सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो ये लिया मैंने, और मान लीजिए आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं आप, जहाँ पे आपको करना है। तो आप इसे अपर साइड में भी ले सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी ले सकते हैं। तो जो हम YouTube पे काम, YouTube के लिए अगर कुछ बनाने वाले हैं, तो आप इसे यहाँ पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहता है, ठीक है। और तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे भी रख लें, और आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। अभी यह है कि चलो अगर ये ऐड हो गया, तो अगर मैं ब्लूटूथ वाला हेडफोन इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडफोन है वो ब्लूटूथ है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं, जिस अभी जो वॉइस आ रही है आपको मेरे लैपटॉप की आ रही है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लैपटॉप है, तो मैं ब्लूटूथ वाला हेडफोन इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ब्लूटूथ हेडफोन। तो ये है मेरा ब्लूटूथ हेडफोन। तो ये जो है JBL का है, ये JBL का है, ठीक है ना। तो अब मैं इसे चालू करता हूँ यहाँ से। तो ये देख रहे हैं, चालू हो चुका है, ठीक है। अब ये पे जाके आपको आपके लैपटॉप पे जाके आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करना है। अब ब्लूटूथ यहाँ पे आपको ऑन करना जरूरी है। तो ये आ गया मैं यहाँ पे, तो ये देखिए ब्लूटूथ दिखेगा आपको। तो आपके पास ब्लूटूथ होना जरूरी है लैपटॉप पे। अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप एक काम कर सकते हैं कि ब्लूटूथ के लिए एक्स्ट्रा डिवाइस आता है छोटा सा, 500-400 रुपए का, आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये ऑन किया, तो यहाँ पे दिख रहा है स्पोर्ट्स मिनी, ये मेरे इसका नाम है, ये डिस्प्ले होने लगा है, ठीक है ना। मैं इसे किया पेयर और इसको किया कनेक्ट, तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए कनेक्टेड हो गया ना। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसमें आ जाऊंगा। ओके, इसमें आने के बाद अब मैं इसे ब्लूटूथ है, तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं करूंगा यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स के लिए सारी चीजें ऑलरेडी दिख जाएगी, जैसे स्ट्रीमिंग होता है या आउटपुट होता है, यहाँ पे आउट ये दिख रहा है आपको ऑडियो। यहाँ पे आप इसे ड्रॉप डाउन करोगे, तो आपको यहाँ पे देखो हेडफोन मिनी स्पोर्ट्स, जो भी आपका है, इसका नाम क्या था, हेडफोन स्पोर्ट्स मिनी। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। वैसे आप डेस्कटॉप को ऑडियोज की जगह, आपके पास 4-5 ऑप्शन है, सभी जगह आप वही सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये सारी चीजें सिलेक्ट कर ली है, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैंने की अप्लाई। ओके, मैंने यहाँ क्लिक किया ओके। सो अगर अभी मैं इस पे काम करूंगा, तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो नाउ अभी आपको जो सुनाई दे रहा है यहाँ पे, वो इस चीज की आवाज है, ठीक है, मेरे ब्लूटूथ से चालू हो चुकी है इस समय। तो ये सिंपल सा है, एक आइडिया होता है जिससे आप काम कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही बताना था मुझे, और एक बहुत अच्छी चीज है, आप यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से भी सेटिंग पे जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है सेटिंग पे जाने के लिए, ये देखिए सेटिंग से मैं यहाँ पे गया, तो ये यहाँ से भी जा सकते हैं। इसको मैंने अप्लाई कर लिया। आपने आपको अगर ये आपको नीचे बटन नहीं दिखाई दे, इसका UI का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो आपने यहाँ से इसे ऐसे ड्रैग कर लेना, तो ये देखिए आपको नीचे दिखाई देगा अप्लाई एंड ओके, तो आप ये कर सकते हो। तो बहुत अच्छी है ये, जबरदस्त है ये, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनी ओके है, मैंने ओके किया। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको गाइस इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आपके दिल में दिमाग में, तो मुझे जरूर बोलिए। थैंक यू सो मच।